आदमी कम से कम तो 50-60 आदमी को घायल जबरदस्त है, बाकी 15-16 आदमी को पीएमसी में रेफर कर दिया है और बाकी सरकारी अस्पताल में भर्ती है। कोई सब इसी गांव के थे कि आसपास के गांव के थे? यहां का भी है, कोई बाहर का भी है। बाबा करवावत रहन पूजा तब तक भरभरा के गिरल देवाल, 25 से ज्यादा लोग घायल। चश्मदीद कहले बारिश के वजह से भइल हादसा। पटना से खबर बा, ग्रामीण का कहता रे, पुलिस पदाधिकारी का कहता रे, सब बताई भोजपुरिया समाचार। शिव चर्चा चलत रहल हटुए, जौना में गीत भी मेहरारू लोग गावत रहल हा शिव जी के। वही पोई चर्चा चलत रहल हा तब तक भर भरा के देवाल गिर गई। पटना के पुनपुन के श्रीपालपुर में बुद्ध के दीवार गिरे से 25 से ज़्यादा लोग घाही हो गए बड़ा। बतावल जा रहल बा कि हमें कुछ लोग के हालात गंभीर बटुए। हादसा के बाद स्थानीय लोग मलबा में दबल लोग के बहरी निकलन। एकरा बाद पुलिस मौका पे पहुँचल, एम्बुलेंस से घायल के अस्पताल भेजल गई। SDO अमित कुमार पटेल बतैनी कि नीरज कुमार के घर पे धार्मिक आयोजन कैल गेल रहे, जहाँ 100 से अधिक लोग शामिल रहन। अचानक देवाल गिर गई, जौना में 30 लोग दबा गेल। पुलिस आ गाँव के मदद से सबके बहरी निकाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजल गई, जौना में 8 लोग के स्थिति गंभीर रहे, जरा के PMCH पटना में भर्ती करावल गई। हादसा के वक्त मौजूद युवक बतैलन कि हिजा बाबा आयल रहन पूजा करवावत रहन, यह पूजा में बहुत लोग रहे, हल्का बारिश होके के कारण दीवार भर भरा के गिर गई। सब लोग एकरे नीचे बैठल रहे, दीवार गिरते मलबा में सब दबा गई। एहमे 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घाही बने, केहू के कपार फाटल तो केहू के हाथ टूटल तो केहू के गोड़ टूट गई। घायल के स्थानीय अस्पताल में भर्ती करावल गई बटुए। रउरा सबके बता दी कि हादसा के वक्त मौजूद युवक बतावत रहे कि 50 से अधिक लोग एहिया रहल हटुए, जरा बाद ही हादसा भइल बटुए। शिव चर्चा चलत रहल हटुए, शिव चर्चा को सब कोई भक्ति में मशगूल रहे, तब तक ही दीवार जवन बा तवन भर भरा के गिर गई बा। यह दीवार के दृश्य रउरा सामने बटुए, बारिश में दीवाल में सीलन हो जाला, पुरान दीवाल जितना रही बारिश के समय में सीलन हो जाए। ये समय बारिश जवन बटुए तवन रीसे वाला बारिश होता है, थोपे थोप पानी यह दीवाल के कंदरा कंदरा में पहुँचल। दीवार काफ़ी कमजोर हो गई, जरा बाद ही दीवार जवन बा भर भरा के गिर गई बटुए। अब यह में लोग दबा गई, संयोग ठीक रहे कि दीवार ज़्यादा ऊंचाई पर ना रहे, अगर ज़्यादा ऊंचाई पर रही तो ये हादसा मौत के आंकड़ा में तब्दील हो सकत रहे। वह मौका में जहाँ शिव के चर्चा चलत रहे, वहीजा भगदड़ जैसन स्थिति हो गई। लाद पारी के अस्पताल में लोग पहुँचावे शुरू कर दिल। रउरा सभे अब बयान सुनब कि इस संबंध में लोग का कहता रहे, पुलिस पदाधिकारी का कहता रहे, शेयर करी। हाँ सर, कितनी घटना में कितने लोग घायल हुए हैं, कहाँ रेफर किया गया है और किस तरह का जो है ये घटना है? यहाँ पुनपुन के जस्ट पास में श्रीपालपुर गांव में जो है लगभग 1:30 पर गांव के ही लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। लगभग 100 से 125 लोग वहाँ इकट्ठा थे। बारिश के तुरंत बाद अचानक एक दीवार थी, पतली दीवार थी और दीवार गिर गई। गिरने में लगभग जो है 50, अभी तक सूचना के अनुसार 50 के आसपास लोग जो है घायल होने की सूचना मिली। तो सभी लोगों को जो है तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ डीसी में लाया गया और अभी तक जो मैं देख पाया हूँ कुल मिलाकर 50 लोग यहाँ आए हैं, जिनमें से जो है 21 लोगों को जो है यहाँ से रेफर किया गया है PMCH में विशेष इलाज के लिए। जो घायल हैं वो ज़्यादातर कौन हैं, पुरुष हैं? घायल में 50 में से 50 तो फीमेल ही हैं, महिलाएं ही हैं और उनमें से कुछ जो है छोटे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं। किस तरह की पूजा हो रही थी? मतलब धार्मिक पूजा ही हो रही थी, वहाँ के स्थानीय लोग जो है धार्मिक ही पूजा एक करा रहे थे और पूजा के दौरान ही।
एक चीज सर देखने को मिला अस्पताल में कि सुई से और जो सिलने वाला है जो वो सिलाई वाला सुई से जो है टाका दिया जा रहा था। इसके संबंध में मैं एक बार यहाँ अस्पताल के जो MOIC है उनसे मैं बात कर लेता हूँ, अगर इस तरह का कोई अगर नियम के विरुद्ध अगर कोई हो रहा होगा तो। वैसे अचानक गिर गया, क्या नाम है, क्या घटना थी जी, कैसे कैसे हुआ था? जैसे हम लोग गांव में बैठे हुए थे तो मतलब मेरे गांव में यहां पे पूजा हो रहा था तो मतलब एक लेडीज आया दौड़ के बोलने के लिए कि इसे आदमी मर गया, दीवाल चप गिर गया तो आदमी मर गया। तो हम लोग दौड़ते हुए आए तब तक देखे कि सही में ढेर सा मतलब आदमी चपा हुआ है। तब तक ये सब पूरा उठा उठा कर हम लोग हटाने लगे, उठ नहीं रहा था, चार पांच व्यक्ति हम लोग मिलकर उठाए, उसके बाद आदमी को निकाले। तब तक ढेर आदमी को तो बहुत बुरी हालत होल था, हम तब तक दौड़ के गाड़ी लाए, गाड़ी ला कर दो तीन आदमी को हम पहुँचाए, उसके बाद एडमिट किया पुनपुन हॉस्पिटल में। तब तक वहाँ पर हम रह गए, तब तक एम्बुलेंस आया, थाना आया, उसके बाद गांव का भी सहयोग किया, आदमी को उठा उठा कर जबरदस्ती सब भर्ती करने के लिए, और कम से कम तो 50-60 आदमी सब कम से कम घायल है। कितने उम्र के होंगे? उम्र में कम से कम तो लमसम सब मिला जुला के बराबर में है, कोई 20 है तो कोई 18 है, कोई 30 है, कोई 70 है तो कोई 50 है, इसके लमसम उम्र के आदमी सब व्यक्ति सब सभी उम्र के आदमी बैठे हुए थे उसमें। आदमी कम से कम तो 50-60 आदमी का घायल जबरदस्त है, बाकी 15-16 आदमी को PMC में रेफर कर दिया है और बाकी सरकारी अस्पताल में भर्ती है। कोई सब इसी गांव के थे कि आसपास के गांव के थे? यहाँ का भी है, कोई बाहर के भी है, मतलब कोई गौरी चौक है तो लखना के है, तो कोई जहानाबाद के है, कोई मखदुमपुर के है, तो कोई कहाँ का है, बहुत जगह जाकर पटना का भी है, नारा का भी है। क्या घटना घटी और क्या क्या कितने लोग घायल है? यहाँ पे जानकारी के अनुसार लमसम 50 से ऊपर लोग घायल हैं और यहाँ पे जो घटना घटी है एक पूजा के दौरान कहिए सत्संग तरह का एक तरह से होता था, ईश्वर का पूजा होता था, लोग सिर्फ बातचीत करते थे तो बताते थे कि ईश्वर की यहाँ पर पूजा होती थी, लेकिन हम यहाँ पर इस पूजा में कभी शामिल नहीं हुए। घटना घटी कैसे, क्या हुआ है? घटना यहाँ पे दीवार गिरने के कारण घटी है। लगभग घटना कितने बजे घटी है? वही 1 बजे के आसपास। आज दिनांक 28/8/24 को सिरपालपुर ग्राम में अंजू देवी उम्र 37 वर्ष पति नीरज कुमार ग्राम सिरपालपुर के यहाँ एक धार्मिक आयोजन किया गया था जो हर बुधवार को किया जाता है। उसमें आज धार्मिक आयोजन 12 बजे से शुरू हुआ था। उसी समय करीबन 1:50 में जो धार्मिक आयोजन का स्थल था उसके बगल में एक दीवाल था, वो दीवाल वहाँ पर शामिल लोगों पर गिर गया जिसमें कुछ महिलाएं थी जो कि वो दीवाल के नीचे दब गई थी। तो करीबन अभी तक 25-30 लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। जो लोग उसमें से ज़्यादा सीरियस हैं उन लोगों को PMCH भेजा जा चुका है, अगर तक कार्रवाई की जा रही है।